गाइस, मैं हूं काव्या और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोइका ब्लॉग्स पर। तो बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मोइका मेरा नाम है, पर ना मोइका मेरा नाम नहीं है, मेरी बेटी का नाम है मोइका। तो अभी जो सुबह का टाइम हो गया, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह से सुबह के 10 बज चुके हैं और खाना बन चुका है, खाना बना के मैं आ चुकी हूँ। तो अभी ना मैं थोड़ी देर धूप में बैठी हूँ, सुबह बिल्कुल धूप नहीं थी, आज तो मौसम ऐसा ही हो रहा है। तो अभी ना धूप में बैठी हूँ, ठंड भी थी, अब तो ठंड भी ज़्यादा होने लगी है। क्या किया जाए, अब तो दिन ब दिन ठंड बढ़ती जाएगी एक महीने की। हाँ, मैं भी हूँ, मोइका भी है, बाकी मम्मी भी हैं। और मोइका ये देखो, इधर गोदी में नहीं रुकी, इसे घुमा रहे थे तो भी नहीं घूमी, लेकिन ना अब ये इधर खेल रही है। ये देखो मोह, आओ, इधर बैठ के खेल रही है और नीचे जो मिट्टी पड़ी है उसको हाथों से घिसके और फिर ऐसे ऐसे करके देख रही है, ऐसे ऐसे करके। ये देखो इसकी शैतानियाँ, आओ इधर आ जाओ। तो अभी बस खाना बन चुका है, तो अभी बस थोड़ी देर में मैं खाना ऊपर ही लेके आऊँगी, ऊपर ही खाऊँगी। अभी तो अभी नहीं खाऊँगी, मुझे ना मोइका को नहलाना आज नहीं है, आज तो ठंडा मौसम है, थोड़ा हल्का हल्की धूप है। जब धूप अच्छी होती मैं तभी नहलाती हूँ, रोज़ नहीं नहलाती हूँ मोइका को भी। रोज़ नहलाने से क्या फ़ायदा, बच्चा बीमार हो जाए। तो बस इनके कपड़े चेंज कर दूँगी पहले, अब ये खेल रही हैं, इसने कपड़े सब गंदे कर लिए हैं, अब जब खेल ले इसका मन भर जाए तब इसके कपड़े चेंज करूँगी मैं, वरना फिर ये फिर गंदी करेगी। मो ए मो, अब ओहो वॉकर चाहिए अब हैं। दिव्या गए हैं नहा धो के, तैयार होके कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं काम से। खाना खा लो। बहुत ठीक आ रही, नहा लेगा। हाँ। देखो यहाँ पे बहुत शैतानी कर रही है, क्या करूँ मैं इसका, भैया मुझे परेशान करके रख दिया इसने। मैं इसके कपड़े चेंज किए, अभी चादर को बार बार निकाल रही है, अभी मैं चादर सही भी नहीं कर पाई हूँ और ये चादर को बार बार निकाल रही है। देखो बेटा नहीं, छी, अब बार बार किनारे पे आके बैठ जाती हूँ, गिरोगी नहीं है, चोटू लग जाएगी, मैं मऊगी, हाँ चोटू लग जाएगी। और ये तो अभी बाहर चले गए हैं, तो अभी खाना खाया नहीं है, तो अभी बाहर से आ जाएंगे तो खाना खाएंगे। तब तक ना मैं तो तब तक मैं थोड़े कपड़े हैं इनको मशीन में चला रही थी ना, और पानी ज़्यादा भर गया, पानी ज़्यादा भर गया, बातों बातों में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अब ये चढ़ी रहेगी गोदी में, अब इसको नीचे उतारो तो नीचे मिट्टी में खेलती है। अब ठंडा, एक तो वैसे भी ठंडा मौसम है और ऊपर हल्का वैसा सीमेंट वीमेंट इधर तो उधर तो होता ही है तो हल्का सा, तो फिर उसमें हाथ ऐसे ऐसे करती है। अभी मैंने सब उसके हाथ में धुला के कपड़े चेंज किए। क्या हैं ये, बता दें, बता दें, अम्मी हैं, पिट्टू कर दें, पिट्टू मुंह की हैं क्या, नहीं नाक नहीं। तो अभी ना ये आ गए हैं और हम जा रहे हैं खाना खाने, 12 भी बज चुके हैं, तो खाना खा लेते हैं। मोइका सो रही हैं, जब तक खाना खा लेंगे वरना ये उठ जाएंगी, फिर चलेंगी खाना खाने के लिए। तो खाने में बथुआ है, चावल है, पूड़ी है, गोभी आलू की सब्जी है, क्योंकि ना कल गोभी आलू की सब्जी नहीं, पेट नहीं भराता है। वैसे ना हम लोग साथ में खाना खाते हैं, लेकिन कल इन्होंने अलग खाया था, मैंने अलग खाया था, दोनों हमारा पेट ही नहीं भरा है। फिर ना अब खा रही हूँ पूड़ी आलू गोभी आलू। काम करके मैं सो गई थी, फिर मोइका नहीं, मोइका सो गई थी, फिर मैं भी सो गई थी। जब तक मैं नहीं सोऊँ ना इसके साथ में, तब तक ये भी नहीं सोती है। अगर मैं उठ जाऊँ ना, अगर ये सो रही हो तो ये तुरंत उठ के बैठ जाती है, पता नहीं क्या है इसका, तो इसलिए ना मुझे सोना पड़ता है। और फिर वैसे भी मैं तो सो जाती हूँ दोपहर में, अगर मैं नहीं सोऊँ ना दोपहर में कभी कभी, तो मुझे ऐसा लगता है मैं पता नहीं क्या, नहीं क्या, बहुत थकान थकान सी लगती है मुझे,
इसीलिए डेली एक घंटे तो सो ही देती हूँ। तो मोहिका वो देखो वो सो रही है। तो अभी मैं बस उठी हूँ, तो अभी मैंने बस बाल बनाए थे, बाल बहुत बेकार हो रहे थे तो मैंने छोटी बना ली थी। छोटी बनाने से ना बाल सही हो जाते हैं, छोटी बना ली। अब मेरी छोटी ना पता है बहुत पतली होती है, पहले ना बहुत मोटी छोटी होती थी, इतनी बड़ी बड़ी ना दो छोटी होती थी, स्कूल में कट के जाते थे ऐसे और ऐसे जब छोटे छोटे थे। तो अब तो काफ़ी बड़े बाल हो गए हैं, तो अब छोटी पतली होने लगी है, पता नहीं क्या झड़ने लगी है बहुत ज़्यादा, बाल भी पतले हो गए हैं। एक तो इतना ठंडा मौसम, ऊपर से आज मुझे इतनी प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। अभी मैंने ना दो गिलास पानी पी लिया और अभी ऐसा लग रहा है और पानी पी लो। आज खाया गया था, आज तो इब्बू खाया था, गोभी आलू खाई थी, बथुआ की सब्जी खाई थी। पता नहीं क्यों प्यास लग रही है, बथुआ से क्या प्यास लगती है कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे नहीं पता है। चाय पीती हूँ, हाँ आइडिया अच्छा है, आइडिया बुरा नहीं है। तब तक मुझे सो रही है, जब तक मैं चाय बना के लेके आती हूँ। इनसे कहूँगी आप यहाँ पे बैठो, क्योंकि ऐसे अकेले छोड़ती नहीं हूँ मैं उनका को, मैं तो कभी नहीं छोड़ती हूँ ऐसे अकेले। तो ये एक तो एकदम उठ के बैठ जाती है वरना फिर तो ठंडा मचा दें। चाय बना के ऊपर ले जा रही हूँ और सब लोग ऊपर ही हैं अभी, और आज तो हप्पा भी चलने लगी है, मम्मी पता नहीं क्या बना रही है चूल्हे पे। मम्मी जला रही चूल्हा, यही कतरा भाई जाके बार बार पी लो। जा भाई बे काट चाय, चाय पी लो भैया पहले सब लोग। अरे यहीं खड़ी करते हैं, हवा ना लगे तो यहीं बैठ जाओ। तो आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 6:30 बज रहे हैं और अभी तक कुछ भी नहीं बना है, मतलब कि क्या बताऊँ। मटर पनीर की सब्जी बनानी है मुझे, तो ना चलो लेट नहीं करती हूँ, बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो अभी ना मैंने कढ़ाई में तेल लगा गरम होने के लिए रख दिया है, तो अभी तो तेल भी गरम नहीं हुआ है। यहाँ पे पनीर भुन रहा है, टाइम लगेगा पनीर को भुनने में, क्योंकि पनीर में से पानी देखो निकल जाता है बहुत सारा, पता नहीं पानी की मात्रा कहाँ से आता है। और जब तक पनीर भुनता है तब तक मैं आटा लगा के रख देती हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, पर क्या फ़ायदा बैठे रहने से भी। तो अभी ना पनीर भुन चुका है और बस अब मैं ना छौंकने जा रही हूँ इसको जल्दी से। तो अभी यहाँ पे मसाला जो है भुन चुका है और इसमें डाले दे रही हूँ ना मटर, ताकि ना मटर भी अच्छे से भुन जाए। सोते सोते उठाया है और ये नींद में है, कहाँ जा रही हो हैं? पापा की गोदी में लेटने की जुगाड़ में है ताकि लेट जाए हम और फिर बस सो जाए। लेकिन अभी इन्हें सुलाएंगे नहीं, इन्हें थोड़ा सा खिलाया, खिलाने के बाद तो उनकी थोड़ी नींद छूट पाई है। अच्छा लग रहा है हुँ? तो चलो आओ खाना खाते हैं। तो अभी मैं खाना लेके आई हूँ, तो अभी खाना खाते हैं। आज ना पनीर बनाया था और काजू की सब्जी बनाई, पनीर में काजू डाला, तो मैं कह रही हूँ काजू की सब्जी। पनीर पे कोई गाना नहीं बनाया है, बाकी और सब्जियों पे गाना है, सब मतलब डिशेस पे गाना है, लेकिन पनीर पे कोई गाना नहीं है आज तक। तो प्लीज़ जो कोई भी गाना बनाते हो गम पनीर पे भी गाना बना लेना, ताकि जब भी पनीर बनाए करें तो पनीर वाला गाना गा लिया करें। पनीर किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, सब तरह का पनीर। अभी ना मुँह भी हमारी खा लेती है, मैंने पनीर मुँह को खिलाया था थोड़ा सा, उसने खा लिया था। तो अभी हम चलते हैं खाना खाते हैं और टेस्ट करते हैं कैसा बना है, बहुत दिनों बाद पनीर बनाया है ना, तो इसलिए टेस्ट करके देखती हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो